नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे बढ़े, आपको बताएं, पंजाब में आटे और चीनी के बाद पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया है। कई शहरों में पंप बंद कर दिए गए हैं। गुजरांवाला, फैसलाबाद, रहीम यार खान और बहावलपुर समेत कई शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। पेट्रोल पंप मालिकान ने दावा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई कम है। पहले आपको बताएं कि मुल्क में एक बार फिर एक नया बहरान सर उठाने लगा है। मुल्क में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कई शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया है। मेरा डॉलर अभी भी 7 से 8 रुपए का फर्क है जनाब, ओपन मार्केट में और बैंक जो रेट होते हैं उसमें। रुपए की जो गिरावट है उसके बाद रुपया वहां पहुंच गया कि अब पाकिस्तानी रुपए की कीमत एक अफगानी के मुकाबले में, अफगानिस्तान के रुपए को अफगानी कहते हैं, उसके मुकाबले में क्या है मैं आपको बताता हूं। यानी 2 रुपए 83 पैसे पाकिस्तानी हो, 3.5 रुपए से भी ज्यादा, 2 रुपीज 83 पैसा, 2 रुपए 83 पैसे अगर आपके पाकिस्तानी हो आपके पास, तो एक अफगानी बनता है। 3-4 पंप पेट्रोल का पता करके आ चुका हूं। अब मेरी गाड़ी बंद हो गई है। मैंने फैमिली के साथ सफर करना था, तो ये हुकूमत क्या कर रही है, हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। 1 घंटा हो गया है हम ख्वार हो रहे हैं, पूरे मेलसी में कहीं पेट्रोल नहीं है। अब हमारी गाड़ी भी यहाँ के बंद हो गई है, ये लास्ट पंप पे हम आए थे, इधर भी पेट्रोल नहीं है, हम क्या करें। इस हुकूमत ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। फसल काश्त करनी है, हमें डीजल कहीं से भी नहीं मिल रहा, हम डीजल कहाँ से लें और कहाँ से फसल ये काश्त करें। इनसे ये तेल नहीं पूरा हो रहा, हम छोटे छोटे थे, सुनते थे डॉलर्स का पाकिस्तान ने नुकसान किया है, तो ये पाकिस्तान की पॉलिसियों का पाकिस्तान ने खुमियाजा भुगता है। और अब भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उन्हीं पॉलिसीज की तरफ दोबारा बढ़ रहा है। बहरहाल, जो अफगानिस्तान पूरी तरह से तबाह है, वो अफगानिस्तान जहाँ पे एक ऐसी हुकूमत है जिसको दुनिया तस्लीम नहीं करती, वो अफगानिस्तान जहाँ पे तालिबान जो 20 साल तक एक जंग में रहे, उन्होंने अभी 1 साल पहले हुकूमत बनाई है, 1.5 साल हुआ है, और हुकूमत बनाने के बाद वो जो तालिबान है उनके पल्ले क्या है, दुनिया का कोई मुल्क उन्हें तस्लीम नहीं करता, कोई उनके साथ ट्रेड नहीं करता, कोई उनके साथ कारोबार नहीं करता। पाकिस्तान से बहुत बुरे हालात में वो मुल्क होना चाहिए, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि उसके भी हालात आज पाकिस्तान से बेहतर हैं। कैसे, ये देखें, ये हुआ पाकिस्तान के साथ। यानी जिस तरह पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हुई, उसकी वजह से 3 रुपए के करीब पहुँच गया है एक अफगानी, पाकिस्तानी 3 रुपयों के करीब पहुंच गया है। इंडियन करेंसी भी ऐसी पाकिस्तान से आगे निकल रही है। बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से दुगनी से ज्यादा ताकतवर है और बांग्लादेश के रिजर्व्स पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हैं। यह हालत हो गई पाकिस्तान की। यानी बांग्लादेश तो बहुत गरीब मुल्क था, बहुत कमजोर मुल्क था, उसके तो पल्ले ही कुछ नहीं था, लेकिन बांग्लादेश में मार्शल लॉज नहीं लगते रहे, बांग्लादेश के अंदर बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं होते रहे, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के मफाद में बेहतर फैसले करते रहे, बांग्लादेश में जमहूरियत भी रही, हालात ख़राब भी हुए लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया, बांग्लादेश में कुदरती आफात भी आई लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने अच्छी पॉलिसीज बनाई और अपने मुल्क को, अपनी नेशन को एक ऐसी कौम में कन्वर्ट किया जिन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया, उन्होंने सही जगहों पर सही सिमत में पैसे लगाए और हमने यहाँ पर लूट मार की। हमारे यहाँ पे तजर्बे ही ख़त्म नहीं हो रहे, कभी इसकी शक्ल पसंद नहीं है उसको हटाओ, फिर इसकी पसंद नहीं है उसको हटाओ, उसकी शक्ल पसंद नहीं है उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल दो, फिटे मुँह ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर ना फर्क नज़र आ रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि IMF से किस गालिबन शायद अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। आपको लग रहा है 265 पे रुका रहेगा डॉलर या इसके नीचे आने के कोई इम्कान हैं? देखिए, पिछले 4 से 5 महीने में 2 चीज़ें हुई हैं। एक आलमी मंडियों में डॉलर ने तकरीबन हर करेंसी की पिटाई की है। जो बरतानिया का पाउंड है वो भी गिरा है, जो यूरो है यूरोपियन यूनियन का उसकी भी डॉलर ने पिटाई की है, और पान का जो येन है उसकी भी डॉलर ने पिटाई की। हमारे मुल्क के अंदर ये हुआ कि एक माशी पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत मस्नूई तरीके से हमने अपने रुपए की कदर को रोक के रखा।
जो पिछले दो या तीन दिनों में हो रहा है रुपए के साथ हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ये उसी गलत मार्शी पॉलिसी का नतीजा है कि हमने चार पांच महीने इसको रोक के रखा, जबकि सारी में डॉलर जो है वो सभी करेंसी के सामने चढ़ता चला जा रहा था। तो ये नतीजा तो बिल्कुल वाजे है कि हमारी अपनी ये गलत मार्शी पॉलिसी थी, उसके नतीजे ये नतीजा जो है ये हमारे सामने आया। अब फ्यूचर में क्या होने लगा है, देखिए एक तो जो इमीडिएट इफेक्ट होता है जब रुपया गिरता है, खास तौर पे वो मालिक जिनका इन्हसार इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है, खाने बनाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, अद्विया दालें कपास कोयला एलएनजी सब चीजों की कीमत जो रुपयों में है वो बढ़ जाती है। सही है। अभी हुकूमत के अदादो शुमार हमें ये बता रहे हैं कि जो महंगाई की शरह 25% है, मेरा तखमीना ये है कि तकरीबन ये महंगाई की शरह जो है ये 30-35% तक पहुंच जाएगी। सर 37 कह रहे हैं, वैसे 37% कह रहे हैं जो महंगाई की शरह है तकरीबन इस वक्त। जी दोबारा बता दीजिए। मैंने कहा सर 37% कहा जा रहा है महंगाई की शरह इस वक्त है, लेकिन जाहिर सी बात उसको जाहिर नहीं किया जाता, लेकिन ऑन ग्राउंड 37% है। 37 नहीं, दो चीजें हैं, जो 35% आप बता रहे हैं वो कहलाता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 25% है। मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर आपको बता रहा था। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहलाता है जो हुकूमत के इरादे शुमार है, उसमें ज्यादातर खाने पीने की चीजें हैं, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो टोटल इंडेक्स। अच्छा सर एक चीज ये भी होती है ना, क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा ज्यादा आपके सवाल कर सकूं। सर ये बताइएगा, डॉलर बढ़ता है कहते हैं, डॉलर मुल्क में कम है इसलिए उसकी मांग में इजाफा होता है, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, फिर जब डॉलर मुल्क में आ जाता है तो डॉलर की कीमत कम हो जाती है। अब तो सिचुएशन अलग है, आईएमएफ ने पहली शर्त यह रखी थी कि आपने जो इतना ही 40-45 रुपए का फर्क रखा हुआ है, मस्तूई तौर पर रुपए को मुस्तहकम रखा हुआ है, इसको खत्म कीजिए। यह खत्म हो गया, तकरीबन 40 रुपए बढ़ गए डॉलर में। अब ये वापस आएंगे जब आईएमएफ की किस्त आएगी या नहीं होंगे? जी बुनियादी जो फोर्स है जो रुपए को कमजोर करती है वो हमारा तजारती खसारा है, या उसको कहते हैं कि अकाउंट का खसारा है। जब पाकिस्तान जो है वो 70-75 अरब डॉलर की सालाना इंपोर्ट करता रहेगा और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 30-31 अरब से नहीं बढ़ेंगी, तो फिर जैसे आपने कहा कि जो डॉलर की सप्लाई है वो सप्लाई जो है वो 31 अरब की है, जो डिमांड है 75 अरब की है, तो इसका मतलब कि रुपए के ऊपर मुसलसल प्रेशर रहेगा जब तक ये खसारा खत्म नहीं होता रुपया। और ये 265 पर रहेगा या ये 300 तक जाने का इम्कान है इसमें भी? खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कहा था कि अगर हम इकदाम ना उठाते तो ये 300 पे चला जाता, और हमने इसको रोका जब एकदम से 128-130 से 170 के तरीफ गया था। अब तो सर ये 125 के तरीफ आ गया है, तो ये 300 पे चला जाएगा नहीं जाएगा? देखिए रोकने का कतन कोई तरीका नहीं। अप्रैल 2022 जिस महीने पीटीआई की हुकूमत गई है, पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजटरी खसारा, सॉरी ट्रेड का खसारा, तजारत का खसारा छोड़ के जा रही है। 45 डॉलर का अप्रैल के महीने में हमारा सालाना जो तजारत का खसारा था वो पाकिस्तान की तारीख में इतना बुलंद कभी नहीं था। उसी के नतीजे में रुपया जो है वो कमजोर होता, यही प्रॉब्लम्स दोबारा से नजर आने लगेंगी। लेकिन बात सारी है कि जब आईएमएफ के फंड्स मिल जाएंगे और ये लोगों के ऊपर डिफरेंट टैक्सेस लगा देंगे जी। और ये बात की जाएगी कि जी अब इन्होंने जो है वो इतना बिल देना है, इतना फ्यूल का देना है, तो वो पब्लिक कैसे करेगी? जो रोटी अभी 25 रुपए की मिल रही है वो 50 की हो जाएगी, तो एक आदमी जो मजदूरी करता है वो 50 रुपए की रोटी कैसे खाएगा दाल के साथ या सब्जी के साथ? और सबसे बड़ी बात ये कि सैलरीज तो वही रहेंगी, चाहे किसी मजदूर की हो चाहे किसी ऑफिस एम्प्लॉय की हो, उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसी सेम सैलरी के होते हुए ये सारे जो लोगों के एक्सपेंसेस होंगे उसको वो किस तरह से कर पाएंगे? ये बात है जो कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आ रही। दोस्तों जहन, दोस्तों पाकिस्तान में एक के बाद एक क्राइसिस शुरू होता चला जा रहा है। पहले तो पाकिस्तान में आटा गैस बिजली का क्राइसिस शुरू हुआ था, पाकिस्तान में पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, अधिकतर पेट्रोल पंप सर पर ताले लग चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर नहीं है। डॉलर के बिना पाकिस्तान की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब है क्योंकि पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। डॉलर एकदम इतना तेज़ी से महंगा हुआ है पाकिस्तान में,
कम से कम 280 रुपए के करीब पाकिस्तानी रुपया गिर चुका है। पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि अफगानिस्तानी रुपया भी पाकिस्तान से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक अफगानी 2.83 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। बांग्लादेशी टका तो पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। पाकिस्तान से बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में पहुँच चुका है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.1 बिलियन के रिजर्व हैं, जबकि बांग्लादेश के पास 33 अरब डॉलर के। बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है। पाकिस्तानियों की यह हालत हो गई है कि पाकिस्तानी अपने ही लोगों को कोसने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने जिस तरह से पाकिस्तान में जब मर्जी आए तब हुकूमत बनाने और गिराने में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर है ही नहीं। कहीं से पाकिस्तान को डॉलर मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।